गोइंग टू इज वाइब्रेशन हमारा जो मेन टॉपिक है control, उसका सब पार्ट है. है क्या इसको हम डिटेल में देखते हैं वाइब्रेशन क्लोजली एसोसिएटेड विदॉज टूल प्रोड्यूस टिपिकलीवल एक्सेसिब प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से उसको हम लोग वाइब्रेशन हैजर्ड्स बोलते हैं अदर इफेक्ट्स ऑफ नॉइज नॉइज हेजर्ट्स के बहुत से इफेक्ट हो सकते हैं जिसमें पहला है हीरिंग लॉस दूसरा है नॉइज़ कैन आल्सो काज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थर्ड है नॉइज कैन आल्सो डिटरमिनेंटल प्रोडक्टिविटी बाय इन्फ्रिंग विद एन टू थिंक रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स हमें ये मालूम है कि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ में आप काम करेंगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ मुता होंगी हमें यह मालूम है कि आपकी हेयरिंग कैपेसिटी इफेक्ट होगी हमें यह मालूम है कि कम्युनिकेशन आप किसी बंदे से करना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर जब नॉइज़ होगा वहाँ पर वो अगला बंदा आपकी बात सुन नहीं सकेगा तो ये तीनों बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ हैं अदर इफेक्ट्स ऑफ नॉइज नॉट ऑल इम्प्लॉइज रिस्पॉन्ड टू नाइज इन दिस वे बट मैनी डू आइसोलेशन इज अनदर प्रॉब्लम फॉर सम इम्प्लाइज इन नाइजी इन्वायरमेंट नाइजी इन्वायरमेंट में आप ज़्यादा साइड पर हो जाते हैं नाइजी इन्वायरमेंट में रह के काम करना पसंद नहीं करते तो ये चीज़ें आर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी मुतासर करते हैं कॉरपोरेट पॉलिसी पॉलिसी डी स्टूडेंट्स एक जनरल गाइडलाइन है जिसमें रहते हुए आर्गेनाइजेशन अपने गोल ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते हैं अब यहाँ पे ये देखा गया है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी में नाइज को किस हद तक एक्सेप्ट किया गया है नाइज का वो लेवल एक्सेप्टेबल है जो कि आपके हीस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सफर ना करे आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उस हद हाँ तक आर्गनाइजेशन नॉइज को एक्सेप्टेबल रखती है अगर उससे ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है ये नॉर्मली कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है आर्गेनाइजेशन के अंदर कॉर्पोरेट पॉलिसी के अगर टिपिकल पॉइंट्स देखे जाएँ तो उसमें ये तीन पॉइंट्स हैं द प्रोग्राम इंप्लीमेंटर शुड वर्क विद मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉज़ इम्प्लॉइज और मैनेजमेंट दोनों के साथ मिलकर ये काम किया जाता है कि किस परसेंटेज से ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉइज एक्सेप्टेबल नहीं है सेकंड इम्प्लॉज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लाइंस विद कंपनीज हरिंग लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम कंपनी के अंदर मुख्तु किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं ख़ास तौर पर हयरिंग लॉस के हवाले से उसको भी चेक किया जाता है और लास्ट हियरिंग लॉस प्रशन प्रोग्राम पॉलिसी शुड क्लियरली डिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉइज़ के हवाले से एस ओ पी डिवेल्प करें सबसे पहले कॉर्पोरेट पॉलिसी डिवेल्प करें फिर एस ओ पीज करें फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें फिर उन लोगों को आप लोग उसकी ट्रेनिंग दें फिर वो लोग उसको मुकम्मल फ़ॉलो करें इस तरह आप लोग हैजर्ड असेसमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं